पुरानी कहावत है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। लेकिन साइबर सिटी के वीरनगर में जल दुकानदारों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दुकानों के सामने से गुजर रही पेयजल की लाइनें टूट गई है और पानी किस कदर दुकानों के सामने खड़ा हो रहा है। इतना ही नहीं, इस पानी के चलते सड़क भी धस गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। दुकानदारों की माने तो सीएम विंडो से लेकर निगम के अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। पिछले 4 महीने से पानी इसी तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड पार्षद कार्यकाल खत्म होने की बात कर पल्ला झाड़ लेता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सड़क पर पानी जमा होने के कारण ग्राहक भी दुकानों में नहीं जाता है, जिस कारण अब दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लग गया है। दिक्कत यह है जी, सारी ये पानी जो है सप्लाई का निकल रहा है यहाँ पर, सारे मतलब सड़क बैठी हुई है, खोखली है, गड्ढे हैं, परेशानी हो रही है सारी, सीवर का पानी सारा भरा पड़ा है जी। आज आपने रोड जाम करा है, क्या लगता है आपकी सुनवाई हुई क्या? देखो जी, कह तो रहे हैं करेंगे, ये क्या मानते हैं रोड जाम करना सही है? अब तो जी अब कोई सलूशन मिला ही नहीं, हर तरह से कंप्लेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। हमारी दुकानें है जी सारी मार्केट है, हम 4 महीने से परेशान है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा हमारी। हम सीएम विंडो तक एप्लीकेशन लगाए है, सारे अधिकारी के पास हुआ है, पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद बोलता है जी मेरा कार्यकाल खत्म हो। कौन सी जगह है ये? ये वीरनगर है जी, मेन शमशान रोड, शमशान घाट के लिए रास्ता। क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही बोला, सरकार को हराना आपकी बात, सरकार जितानी नहीं है, 2024 में बुरी तरह हराएंगे बीजेपी। तो आज आपने रोड रोक दिया? रोड क्रॉस करा जी, हद पार करिए। जब मैं मरने के लिए आज ठाना था, आज यही रोड पे ही मरूंगा, ये घर बैठ जाकर मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ मेरे बच्चे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे मेरे आ रहे हैं। दिक्कत ये आ रही, सारे मकान बैठ गए जी नीचे, सब कुछ नीचे नीचे सुरंग हो गया, मेरे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, वो मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार नहीं सुन रही कोई। एक और जहां वीरनगर में दुकानों के सामने बहते पानी के चलते दुकानदार परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर कॉलोनी वासी भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वीरनगर के दुकानदार और निवासी परस्त नगर निगम के अधिकारी मस्त नजर आ रही है। इस समस्या से इन लोगों को कब तक निजात मिल पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। पंजाब के सीसीटीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।